हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। तो आज हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स 26 नवंबर 2019, यानी कि 26 नवंबर 2019 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए वो। और इसके साथ आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि एक एसएससी क्रैकर करके कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो आपका 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी आप लोग एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस कोर्स में आपको सारी एग्जाम रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, आपके लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे, साथ में आपको मॉक डिस्कशन मिलेंगे, मॉक्स भी मिलेंगे। तो उस कोर्स को जाके ज़रूर देखिएगा, 2 दिसंबर से वो स्टार्ट हो रहा है। और बाकी आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोगों ने इस पर एक वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी नए वीडियोज़ या नए नोटिफिकेशन यहाँ से मिस ना कर पाएँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है, मतलब इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन कब होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 25 नवंबर। 25 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ओके, 1993 संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा को अपनाया। दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि ये दिन 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्टार्ट करा था। ठीक, इस साल के अगर हम विषय यानी कि थीम की बात करें तो वो है ऑरेंज द वर्ल्ड, जेनरेशन इक्वेलिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप। ठीक है, जेनरेशन इक्वेलिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप, ये इस साल का विषय यानी कि इस साल का थीम है। डेविस कप खिताब किसने जीता, यानी कि डेविस कप टाइटल किसने जीता? तो ये जीता ऑप्शन 3, रफाल नडाल ने। रफाल नडाल ने ये टाइटल जीता और उन्होंने डेनिस शापोवालोफ को हरा के जीता। ठीक है, ये जो है डेनिस, ये कैनेडा के हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये कैनेडा से हैं। और रफाल नडाल जो है ये स्पेन के प्लेयर हैं। ठीक है, ही इज फ्रॉम स्पेन एंड इज अ टेनिस प्लेयर, ये टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि स्पेन से हैं। ठीक, और ये जो डेविस कप टाइटल हुआ था, ये हुआ था मैड्रिड में, जो कि स्पेन की राजधानी, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में निधन हो गया कोरियाई अभिनेत्री और गायक का नाम क्या है? ठीक है, हाल ही में एक कोरियन एक्ट्रेस और सिंगर है, उनका नाम क्या है जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है? तो उनका नाम है ऑप्शन 1, गुहारा। ठीक है, तो गुहारा इनका नाम है, ये कोरियन एक्ट्रेस और गायक हैं। ठीक, साउथ कोरिया की कैपिटल यानी कि दक्षिण कोरिया की कैपिटल राजधानी की बात करें तो वो है सियोल, जो याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा करेंसी की बात करें तो वो है वन। ठीक है, अगला देखिए, अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक भारत को मिले? ठीक है, तो अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी, तो इंडिया को कितने मेडल्स मिले, मीन्स इंडिया बैट्स हाउ मैनी मेडल्स इन दिस चैंपियनशिप? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 28। इंडिया को 28 पदक मिले, मतलब 28 मेडल मिले। ठीक, उनमें से स्वर्ण पदक तो 13, मतलब गोल्ड मेडल 13 है। ठीक, रजत पदक जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मेडल, वो है 14, और कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, वो 1 मिला। ठीक है, चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? ये जो चैंपियनशिप हुई थी वो चीन में हुई थी, चीन में ताइचुंग करके एक जगह है, वहाँ पे ताइचुंग करके एक जगह है चीन में, वहाँ पे ये चैंपियनशिप हुई थी। ठीक, सागर जगलान ने 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, मतलब सागर जगलान करके जो है उन्होंने फ्री स्टाइल कैटेगरी में 60 kg की, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता। ठीक, चीन की राजधानी यानी कि कैपिटल की बात करें तो वो है बीजिंग, मुद्रा करेंसी की बात करें तो वो है चीनी युआन। ठीक है, अगला देखते हैं, किसने स्कॉटिश ओपन पुरुषों का एकल खिताब जीता, मतलब हु वन दी मेन सिंगल टाइटल ऑफ स्कॉटिश ओपन? ठीक है, स्कॉटिश ओपन का, ठीक, तो वो जीता है ऑप्शन 2, लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन ने ये खिताब जीता है, और जो लक्ष्य सेन है ये आपके इंडिया से ही है, और उन्होंने किसको हरा के ये खिताब जीता है? उन्होंने हराया युगोर कोलो को। ठीक है, युगोर कोलो को उन्होंने हरा के ये खिताब जीता है। ठीक, ये कहाँ के युगोर कोलो? ये हैं ब्राज़ील के, तो ये भी याद रखिएगा कि ये ब्राज़ील के प्लेयर हैं। ठीक, और ये टाइटल, ये जो चैंपियनशिप हुई थी स्कॉटिश ओपन जो हुआ था, ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो में हुआ था, जो कि स्कॉटलैंड में है। तो ये सब याद रखिएगा जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको।
अगला देखिए, भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है ऑप्शन टू हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है, जो कि तेलंगाना में है, जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है, ठीक है। भारत कब संविधान दिवस मनाता है, मतलब भारत कब संविधान दिवस मनाता है, यानी कि भारत कब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाता है, संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। तो भारत कब मनाता है, तो ये मनाता है ऑप्शन फोर 26 नवंबर। तो हर साल 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाता है, ठीक। इस दिन भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्मली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कम्स इंटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 19 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो जो भारत सरकार है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने 19 नवंबर 2015 को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित करा, ठीक। वर्ष 2015 दो वर्ष 2000 मतलब 2015 ने B.R. अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई। तो जो ये बेसिकली आपका संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, ये B.R. अंबेडकर जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है। तो 2015 जब से ये स्टार्ट हुआ, जब से ये हुआ कि इसको स्टार्ट करेंगे, तो जो B.R. अंबेडकर थे उनकी 125वीं जयंती थी, ठीक। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया, ठीक है। मतलब कौन सी राज्य सरकार है, फाइलेरिया करके एक बीमारी है, तो उसके खिलाफ टीका इम्यूनाइजेशन चलाया किस राज्य सरकार ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने? तो वो है ऑप्शन थ्री उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट ने ये चलाया, ठीक। देश में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार के पास निर्धारित वर्ष 2021 है, ठीक है, 2021, मतलब जो डेडलाइन है वो है 2021, जिसमें फाइलेरिया को बिल्कुल ही खत्म करना है, ठीक। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की 65,000 मतलब 65,000 से अधिक टीमों का अभियान 19 जिले में 10 दिसंबर तक लगभग 6.5 करोड़ लोगों को दवा वितरित करेगा, यानी कि द कैंपेन ऑफ मोर देन 65,000 टीम्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स विल डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन टू 6.5 करोड़ पीपल टिल 10 दिसंबर इन 19 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इस कैंपेन के अंदर, इस अभियान के अंदर, ठीक। अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल गवर्नर की बात करें तो वो है आनंदीबेन पटेल, ठीक। तो इसी के साथ आपके 26 नवंबर 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो यहीं पर ही खत्म होते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ आपके लिए एक और चीज़ है कि आपके SSC रेलवे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आपके आ ही रहे हैं, जैसे SSC CP आपका दिसंबर में है, तो हम लोगों ने लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के लिए एक लाइव सेशन हो रहा है जो कल होगा सुबह 9:30 बजे। तो आप डेफिनेटली वो लाइव सेशन देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स SSC RRB नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो लाइव सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो भूलिएगा नहीं, टाइम 9:30 बजे सुबह वो लाइव सेशन कंडक्ट होगा, ओके।